टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 18,000 रुपीस इन 2024। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से और एक नए वीडियो पे। अगर आपका बजट 18,000 के आसपास में है या फिर 20,000 के अंडर में आपको एक अच्छा बढ़िया फोन चाहिए और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें कौन सा स्मार्टफोन को लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपका सारा कंफ्यूजन वगैरह को खत्म कर देगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में 18,000 के बजट में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को अपनी लिस्ट में रखा है जो बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। इन सभी फोन में परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी वगैरह सब कुछ एकदम तगड़ा लेवल का मिलेगा और इन सभी फोन्स के स्पेसिफिकेशन को डिटेल्स में बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आपको अभी के टाइम पे एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए और आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं आज का वीडियो को। और आपको बता दें कि मैंने सभी फोन्स को रैंक कर दिया है, नंबर 5 वाले फोन से स्टार्ट करेंगे और घटते घटते नंबर 1 तक जाएंगे। तो लिस्ट के 5वें नंबर पे आता है Redmi की तरफ से Redmi Note 13 5G। अगर आपको अभी के टाइम पे 18,000 के बजट में कोई लेटेस्ट बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है चलिए देखते हैं अब। तो गाइस, इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। यह एक पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 1000 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है और इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। डिस्प्ले एमोलेड मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है एंड स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह भी बढ़िया है और बेजल्स वगैरह भी काफी कम है, तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन बढ़िया है। अब कैमरा की बात करेंगे तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो की 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो की डेप्थ सेंसर है और सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा का 1.7 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा इस फोन का बढ़िया है, खास करके डे लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है। अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 6080 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 5G प्रोसेसर है एंड 6nm पर बना हुआ है और 4.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है, तो प्रोसेसर डिसेंट टाइप का है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33W का चार्जर को, फुल चार्ज होने में 1 घंटा सवा 1 घंटा ले ही लेगा। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। इसमें हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा, 3.5mm वाला जैक दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट है। IP54 का रेटिंग मिल जाएगा। ये फोन MIUI 14 के साथ आता है जो कि Android 13 पर बेस्ड है। और फाइनली प्राइस की बात करेंगे तो इस फोन का बेस वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पर Amazon पर 18,000 रुपया है। अगर आपको 18,000 के आसपास में Redmi का ही स्मार्टफोन चाहिए या फिर कोई लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का अब। तो गाइस, लिस्ट के 4th नंबर पे आता है OnePlus की तरफ से OnePlus Nord CE 3 Lite 5G। गाइस, ये फोन आपको फिलहाल के टाइम पे 18,500 के आसपास में मिल जाएगा। अगर आपको इस बजट में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या फिर कोई OnePlus का ही स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। काफी बढ़िया फीचर्स के साथ ये फोन आता है, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है चलिए देखते हैं अब। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 680 निट्स का ब्राइटनेस है एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा। डिस्प्ले ठीक है एंड स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह भी सही है। अब कैमरा की बात करेंगे तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा, थर्ड कैमरा 2-2 मेगापिक्सल का है जो कि मैक्रो सेंसर और डेप्थ सेंसर है और सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। इसमें ना ही अल्ट्रा कैमरा मिलेगा, नहीं OIS का सपोर्ट है, नहीं 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, बट इस बजट के अकॉर्डिंग कैमरा इस फोन का ठीक है, कैमरा को खराब नहीं कह सकते हैं। अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें Qualcomm Snapdragon 695 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 5G प्रोसेसर है, 6nm पर बना हुआ है और लगभग 4 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। प्रोसेसर को डिसेंट सा कह सकते हैं इस बजट के अकॉर्डिंग। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 67W का चार्जर को। चार्जर बढ़िया मिलेगा, आपके फोन को तेजी से चार्ज के दे देगा। रैम स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 195 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.3mm का थिकनेस है। वेट और थिकनेस एवरेज टाइप का है और डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में खूबसूरत सा लगता है। इसमें 3.5mm वाला जैक मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर्स भी दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है।
ये फोन ऑक्सीजन ओएस 13.1 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। चलिए अब आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो गाइस इसका प्राइस फ्लिपकार्ट पर फिलहाल के टाइम पे 18,500 के आसपास में है और वन प्लस की तरफ से आने वाला इस बजट का एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट के थर्ड नंबर पे आता है आईकू की तरफ से आईकू G7S 5G। इसके जगह पे आप वीवो T2 5G को भी ले सकते हैं। फिलहाल के टाइम पे ये फोन आपको 15,000 से 16,000 तक में आराम से मिल जाएगा और इस बजट में आने वाला ये एक अच्छा तगड़ा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो प्लास्टिक बॉडी के ही साथ ये फोन आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, 172 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 7.8 mm का थिकनेस है। काफी पतला एंड लाइट वेट सा फोन है और डिजाइन वगैरह को देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। इसमें 3.5 mm वाला जैक मिलेगा, हाइब्रिड स्लॉट भी दिया गया है, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन फंटस 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। और हाँ, ये फोन जो है ना IP54 रेटिंग के साथ आता है। अब चलिए डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। अब तो इसमें 6.38 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज का टॉप सैंपलिंग रेट दिया गया है और 1300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस भी है। एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये स्मूथनेस मिल रहा है तो ये चीज खराब तो नहीं है, ठीक है। ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा है, अगर आप इस फोन को आउटडोर वगैरह में यूज करेंगे तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो डिस्प्ले काफी लाजवाब का मिलेगा बट वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड दो कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 64 MP का है, सेकेंड कैमरा डेप्थ सेंसर है जो कि 2 MP का है और सेल्फी कैमरा वो 16 MP का है। प्राइमरी कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाएगा और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 fps पर। तो कैमरा इस फोन का ठीक है बट अल्ट्रा वाइड कैमरा होना चाहिए था। अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 5G प्रोसेसर है एंड 6nm पर बना हुआ है और लगभग 500,000 के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। 17-18,000 के बजट के हिसाब से प्रोसेसर ठीक है। बैटरी की बात करते हैं अब तो इसमें 4500 mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 44W का चार्जर को। लगभग 24 मिनट में 0 से 50% चार्ज करके दे देगा आपके फोन को ये, तो चार्जर बढ़िया ही है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। ये इस फोन का टॉप वेरिएंट है एंड इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 16,000 रुपया है। इस फोन का बेस वेरिएंट भी आता है 628 जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 15,000 रुपया है। तो 15-16,000 के बजट में आने वाला ये एक अच्छा तगड़ा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F34 5G। इसके जगह पे सैमसंग गैलेक्सी M34 5G को भी ले सकते हैं। दोनों ही फोन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है एंड सेम प्राइस में आपको मिल जाएगा। 18,000 के अंडर में सैमसंग की तरफ से आने वाला यह एक अच्छा स्मार्टफोन है। क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। स्टार्ट करेंगे बिल्ड क्वालिटी से ही। प्लास्टिक बॉडी के साथ ये फोन आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, 208 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 8.8 mm का थिकनेस है। वेट और थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा है और डिजाइन वगैरह को देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। सैमसंग का पुराना डिजाइन है इसमें भी। इसमें 3.5 mm वाला जैक मिलेगा, हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाएगा एंड साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन One UI 5.1 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। इसमें 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टॉप सैंपलिंग रेट मिलेगा। 1000 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। डिस्प्ले सुपर एमोलेड मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है एंड स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ तगड़ा लेवल का है। तो हाँ, डिस्प्ले बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 50 MP का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 MP का है, थर्ड कैमरा 2 MP का है एंड सेल्फी कैमरा वो 13 MP का है। प्राइमरी कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा एंड 1.8 का अपर्चर है और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 fps पर और 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे वो भी 30 fps पर। कैमरा के मामले में ये फोन काफी बढ़िया होगा, कैमरा इस फोन का काफी लाजवाब का है। अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें Exynos 1280 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 5G प्रोसेसर है एंड 5nm पर बना हुआ है और 415,000 के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। प्रोसेसर
प्रोसेसर बढ़िया तो है बट हैवी गेमिंग वगैरह के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 25 W का चार्जर को। हल्का फुल्का टाइम लेगा चार्जिंग में ही और 6000 mAh का बैटरी मिल रहा है तो बैकअप तो मिलेगा ही। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8 GB का रैम एंड 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप चाहे तो 1 TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। ये इस फोन का टॉप वेरिएंट है एंड इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 18,000 रुपया है। इस फोन का बेस वेरिएंट भी आता है 6128 जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 16,000 रुपया है। तो 18,000 के अंडर में आने वाला ये एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का आखिरी फोन का। अब तो लिस्ट में आखिरी बेस्ट स्मार्टफोन आता है मोटो की तरफ से, मोटोरोला G84 5G। गाइस अगर आपका बजट 18 से 19,000 तक में है और आपको इस बजट में एक अच्छा तगड़ा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। 20,000 के अंडर में क्लीन UI के साथ आने वाला ये एक अच्छा स्मार्टफोन है। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो बैक साइड इको लेदर का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 7.6 mm का थिकनेस है एंड 168 ग्राम इस फोन का वेट है। डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में बढ़िया है, फिर भी देख लीजिएगा। ये फोन काफी पतला एंड लाइट वेट सा फोन है। इसमें 3.5 mm वाला जैक मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर्स भी दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। ये फोन प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है जिसके कारण इस फोन में एक भी फालतू का एप्स राइट्स वगैरह नहीं दिखेगा जो कि रन करता है एंड्रॉइड 13 पर, और इसमें एंड्रॉइड 14 का अपडेट मिल जाएगा। और हाँ ये फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है। अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.55 इंच का फुल HD प्लस पंच होल PoLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि 10-bit डिस्प्ले है। इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है और 1300 nits का पीक ब्राइटनेस भी है। गाइस डिस्प्ले जो है ना इस फोन का काफी लाजवाब का मिलेगा एंड स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह काफी तगड़ा लेवल का है। अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 MP का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 MP का है। और बात करें सेल्फी कैमरा का तो वो 16 MP का है। प्राइमरी कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा एंड 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड 60fps पर। इसमें 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो नहीं मिलेगा बट कैमरा इस फोन का काफी बढ़िया है इस बजट के हिसाब से। अब परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर मिलेगा। गाइस ये एक 5G प्रोसेसर है एंड 6nm पर बना हुआ है और लगभग 400,000 के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। प्रोसेसर को डिसेंट सा कह सकते हैं। अब बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा जो कि ये सपोर्ट करता है 30W का चार्जर को। चार्जर भी एवरेज टाइप का ही है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का तो गाइस इसमें 12GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। अगर आपको इस बजट में बड़ा रैम स्टोरेज के साथ आने वाला एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो इस चीज के लिए भी ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और गाइस इस फोन का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 18,999 रुपया यानी कि 19,000 रुपया है। अगर बैंक ऑफर वगैरह लगाकर खरीदेंगे तो 18,000 के आसपास में ये फोन आपको मिल जाएगा और इस बजट का एक अच्छा स्मार्टफोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैंने 18,000 के बजट में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को बता दिया है। अब आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ।